Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. प्ले गाइस, गुड इवनिंग। मैं बालकृष्ण, आप देख रहे हैं मिश्रा व्लॉग्स। अब जैसा कि ना आपने बहुत सारी वीडियोस ब्रेजा के रिलेटेड अपने चैनल पे ऑलरेडी देख ली होगी, बेस मॉडल की भी अपलोड है, VXI की अपलोड है, ZXI की आज आप देखोगे। यानी कि ZXI के अंदर भी काफी सारी मॉडिफिकेशन आप करा सकते। सीट कवर डले हैं और 70 मैट डला है और डिग्गी मैट जो होता है वो डले। बहुत सारे एक बेसिक नीड का जो काम होता है ना वो इस गाड़ी के अंदर हुआ है। तो मेक श्योर आपको वीडियो के अंदर जरूर देखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं इस कार के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हो और उसका जो आउटपुट है ZXI वेरिएंट में आपको कैसा देखने मिलेगा। सबसे पहले तो भाई गाड़ी की बात करूँ तो फ्रंट प्रोफाइल से आपको ऐसी लुक्स प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज आपको देखने मिलती है अगर मैं कंपेयर करूँ बेस मॉडल से, सबसे पहले तो पार्ट आता है अपने हेडलाइट का। हेडलाइट इसके अंदर आपको अलग देखने मिल जाता है, DRL शेप वाली। साथ ही साथ इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसके अंदर ऊपर से की गई है, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट हो रखी है इस तरीके से, ठीक है। और अंदर की तरफ DRL है। साथ ही साथ आपको डबल प्रोजेक्टर इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है और ड्यूअल टोन की गाड़ी ये आपको देखने मिलती है अगर आप ZXI लेते हो तो। VXI और LXI दोनों ही आपको जो है सिंगल टोन के साथ मिलती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्रोम के एसेंस ये तो देते ही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये पार्ट है ना सिल्वर कलर की जो स्कर्टिंग से आप देख रहे हो, ये बेसिकली वियागो कंपनी ने एज ए एक्सेसरीज दी होगी। इस वेरिएंट के अंदर भी आपको फॉगलाइट के जो पार्ट है वो कंपनी इंस्टॉल करके नहीं देती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कोई भी फॉगलाइट का पार्ट इंस्टॉल नहीं हो रखा है, बाकी आप चाहते हो तो फॉगलाइट इंस्टॉल करा सकते हो, ठीक है। अब साइड प्रोफाइल की बात करिए तो यहाँ पे जो है अलॉय के सेक्शन आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। तो ये बेसिकली अपने कितने इंचेस के अलॉय है मैं आपको यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 21560R16 16 इंचेस के आपको अलॉय व्हील देखने मिल जाते हैं। थोड़े से गंदे हो रखे भाई क्योंकि बारिश का मौसम है और दिल्ली में करोल बाग में भाई रेगुलरली बारिश हो रही है, क्लीन कराने के बाद चमक जाएगी भाई। उसके बाद ऑटो फोल्डिंग आपको ORMs देखने मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक कलर में है। पिलर्स आपको मैट मिल जाते हैं, छत जो अपनी ग्लॉसी के साथ है उसके ऊपर यहाँ पे रूफ रेल का सेटअप लगा हुआ है। रेन वाइजर इसके अंदर बेशक इंस्टॉल किया गया है। एक पार्ट आता है लोअर विंडो गार्निश का, आप वो भी लगवा सकते हो यहाँ से लेकर के, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के और एंड टू एंड तक जाता है, जिसका लुक और फील अपने आप में बहुत अमेजिंग है। अब आप कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे अपना जो क्वार्टर ग्लास है और इसमें जो क्वार्टर ग्लास है मैं आपको यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ। ये बेसिकली अपना LXI वेरियंट है, ठीक है। अब इसका क्वार्टर ग्लास आप देखो, इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका क्वार्टर ग्लास देखो, इसके अंदर आपको बेसिकली विजिबिलिटी दिखती है अंदर की तरफ। उसके अंदर क्या चेंज है वो भी आप देख लो, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये यहाँ पे देखो ना तो पूरा ही पूरा ब्लैक है, यानी कि जेड ब्लैक हो रखा है। बेसिकली इसके अंदर क्या पार्ट लगा है तो भैया ने इसके अंदर जो है फिल्म लगा ली अंदर की तरफ, जेड ब्लैक वाला जो पन्नी आती है वो इसके अंदर चढ़ा दी है, जिस वजह से बेनिफिट क्या हुआ इसका जो लुक है ना पीछे से काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया है। अब नॉर्मली क्या होता था ना, इतना सा पार्ट बीच में अगर आपको विजिबल होगा फिर जो पूरे क्वार्टर ग्लास का जो पार्ट था ना वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। अब इसको पूरा फाइनल करने के बाद, यानी कि जो जेड ब्लैक इसके अंदर फिल्म लगा दी गई ना, इससे पूरा पैनल जैसा लगता है कि एक ही पैनल हो। अब इसके साथ जो इसकी लुक्स है वो देखो कितनी सुंदर सी लग रही है, अमेजिंग सी। बल्कि ना जो है गाड़ी की और बढ़ गई है, साथ ही साथ ड्यूअल टोन की गाड़ी है तो उसके साथ जो इसका फील है अपने आप में काफी अमेजिंग सा निकल करके आता है। आप लोगों को मैं यहाँ पे और शो आउट कर देता हूँ, दैट इज आमरेज। तो आमरेज का पार्ट जो है अंदर की तरफ इंस्टॉल हो चुका है अपना और ये जो अपना निकलता है और बेस मॉडल से ही आपको जो है कहीं ना कहीं एसी कि जो वैन सैरियर में देने मिल जाता है। ZXI वेरिएंट में भी एक चीज नोटिस करने वाली है कि आमरेस आपको नहीं मिलता, तो यहाँ पे भैया ने क्या किया ZXI वेरिएंट के अंदर भी आमरेस यहाँ पे इंस्टॉल करा लिया विद रियर एसी वेंट। तो काफी अच्छा सेटअप है भाई इसका। पार्सल ट्रे का पार्ट अगर आपको लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, अवेलेबल है, बट ZXI वेरिएंट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होकर के आता है, ठीक है। बाकी एक चीज और आप करा सकते हो, बूट लाइट का जो पार्ट आता है बेस मॉडल से आप लगवा सकते हो और इस वेरिएंट के अंदर लगा हुआ आता है। अब चलते गाड़ी के अंदर, अंदर से बताता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है।
देन मिलेंगे ऑनर से और जानेंगे उनको सारा काम कैसा लगा। मिल गए, मैंने आपको एक्सटीरियर से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी शो आउट कर दी है गाड़ी के अंदर। ब्रेजा का ZXi वेरिएंट था, ZXi प्लस के अंदर आपको जो यहाँ पे HUD का पार्ट देने मिलता है, बट ये बेसिकली उससे नीचे वाला वेरिएंट है जिसे आप सेकंड टॉप मॉडल भी कह सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारा काम था। अब काम क्या क्या हुआ है सबसे पहले आपको सारी चीजें शेयर कर देता हूँ, एक एक चीज यहाँ पे क्लियर आउट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर सेंटर की बात करूँ तो मेन पार्ट जिसके अंदर कवर हुआ है दैट इज आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट यहाँ पे प्रॉपर अपना इंस्टॉल हो चुका है टॉप मॉडल वाला, ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पे स्लाइडेबल देखने मिल जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो स्टोरेज के कंपार्टमेंट है वो भी देखने मिल जाते हैं। तो प्रॉपर इसकी फिटिंग है भाई, बहुत अच्छा सा लगता है और कंफर्ट के मामले में तो लाजवाब है भाई। जब भी आप राइड करोगे ना तो आपको कहीं भी कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, या फिर मेरे हाथ में जो है पेन हो रहा है तो इस तरीके की जो दिक्कत है ना आपकी खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रियर में अपना प्रॉपर सेट है ना आर्मरेस्ट का, या फिर जो एसी वेंट का जो सेटअप होता है आर्मरेस्ट के अंदर, वो प्रॉपर यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये अपने आप में काफी अच्छा पार्ट होता है। साथ ही साथ फ्लो की बात करो तो फ्लो भी आपका जैसा पहले है, क्योंकि बेस मॉडल से रियर में एसी वेंट आने लगते हैं, तो यहाँ पे जो है उसका फ्लो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन है इसके अंदर सीट कवर में, सबसे पहले तो मेड इन थाईलैंड वाला कपड़ा है। साथ ही साथ ऊपर की तरफ यहाँ पे रेड कलर की स्टिचेस है, यहाँ पे रेड कलर का जो एक पाइप होता है उसके साथ यहाँ पे जो नेकरेस्ट है उसको रेडी किया गया, साथ में यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर अपना जो डनलप होता है उसके अंदर यहाँ पे काम किया गया है, रेड कलर की स्टिचेज है। अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो आपको फोम है कहीं ना कहीं उसकी भी हल्की हल्की सी विजिबिलिटी दिखेगी। और साथ ही साथ परफोरेटेड वाला कपड़ा है तो अंदर से जो एक हीट होती है ना वो कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी या फिर जो स्वेटिंग कह सकते हैं ना वो खत्म हो जाती है। ये अपने आप में काफी अच्छा पार्ट है। साथ ही साथ नीचे की तरफ भी जो है कहीं ना कहीं परफोरेटेड रखा गया, और यहाँ का जो पार्ट है अपना प्लेन है, तो जो सीट कलर का कॉम्बिनेशन बन के निकला है ना वो अपने आप में काफी अमेजिंग सा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये गाड़ी आपको कितनी सही लगती है, या फिर जो इसके सीट कवर है वो आपको कितने पसंद आए। बैटरी कितनी चार्ज है वो भी यहाँ पे शो करता है, मोटर वोटर जो इंजन अपना ऑन है वो भी शो करता है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉलिंग कंट्रोल और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का सेटअप आपसे वेरियंट में देखने मिल जाते हैं। और जो मीटर कंसोल है वो भी काफी डिफरेंट है, अगर आप बेस मॉडल से कंपेयर करते हो तो काफी सुंदर सा ZXi में आपको मीटर भी देखने मिल जाता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का सारा पार्ट है, जहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं मारुति असिस्ट वाला जो इनका एक वो है ना पूरा स्टीरियो का पार्ट वो भी देखने मिल जाता है। स्पीकर सिस्टम है, ट्यूटर इसके अंदर आपको मिल जाता है, सनरूफ का पार्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो ZXi जो वेरियंट है ना इसके अंदर फुलफिल यानी कि बेसिकली फीचर लोडेड गाड़ी से आप कह सकते हो, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आपको जो है कंपनी की तरफ से मिल जाता है। अब चलते रियर की बात में, रियर की सीट में बात कर लेते हैं क्या क्या चीज आपको मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ रियर में आपको आर्मरेस्ट का पार्ट भी ZXi वेरिएंट में ऑफर कर दिया जाता है। रियर में जो अपना कुशन का पार्ट है वो भी रखा गया, ये बेसिकली भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिला है, तो ये अपने आप में काफी अच्छा पार्ट रहता है भाई। बाकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन थी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। सीट कवर लगे हैं, अपना आर्मरेस्ट लगा है, रियर में एसी वेंट का पूरा सेटअप है इसके अंदर सॉल्व रखा है, इसके अंदर जो 70 मैट है वो भी डलने हैं, डिग्गी मैट डला है, और बहुत सारा सेटअप था जो कि फाइनली इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में पार्ट आपको कितना सही लगा है। अब चलते हैं और ऑनर के पास और उनसे जानते सारा काम, उनको कैसा लगा, वो कितने सेटिस्फाइड है, 10 out of 10 क्या रेटिंग दे जाते हैं। आपकी जितनी क्वेरी होगी जानेंगे उनसे और एक बार मिल करके बात करेंगे, कॉस्टिंग वगैरह सारी चीज रिवील करने वाला हूं। गाइस फाइनली अपनी ब्रेजा जो है कंप्लीट हो चुकी है। ZXi वेरिएंट था सेकंड टॉप मॉडल जिसे आप कहते हो, उसके अंदर बहुत सारा काम था जो कि फाइनली ऑटो इनिप पे आज जो है अनुज भाई ने कंप्लीट कर दिया। तो अनुज भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। हमारे साथ प्राउड ऑनर भी है, तो पहले भैया से भैया का नाम जान लेते हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना। संजू। संजू भैया, संजू भैया कहाँ से आए? हरियाणा से आए। भैया कैसे पता चला था आपको इनके बारे में? ऑनलाइन देखते, यूट्यूब से देखा था आपने। तो बेसिकली आपके घर से यहाँ का ट्रेवल कितना किलोमीटर का है अगर मैं बात करूँ? आना आना फिर आना जाना, मतलब 300 किलोमीटर टोटल। तो कितने तक का पेट्रोल भुग गया होगा अभी तक? 3000 का लग गया। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज होती है कि इतने दूर दूर से भाई आते हैं, 150 किलोमीटर भाई ट्रेवल करना, बस बोलने में लगता है 150 किलोमीटर, फिर आना फिर जाना सेम डे में, गाड़ी में ट्रेवल करना बहुत बड़ी बात, और वो भी सेम डे में, सेम डे में, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी बात होती है, और ये अचीवमेंट है ऑटो इनी के लिए। तो भैया पहले तो बताइए सारा काम जो आपने कराया इस गाड़ी के अंदर वो कैसा रहा? सारा बहुत अच्छा। तो कैसा रहा उसका आउटपुट, कैसा निकल कर गया? सही लग रहा है? और मतलब आपके सामने और भी ब्रेजा आई है, उसके अंदर भी काम हुआ है जैसे कि, तो कैसा था सारा आउटपुट, कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सेटिस्फाइड हो सीट कवर से और बाकी जो काम हुआ इससे कितना सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड। केशु भाई अपने जो भी भाई ब्रेजा प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है सीट कवर में या फिर मॉडिफिकेशन में, कवर या कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए सारी चीज अवेलेबल है। बाकी सीट कवर की तो अपनी मैंने मैचिंग आपके ऑप्शन होता है, जो डिजाइन जो कलर चाहिए आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हो। बाकी हम आपको सजेस्ट भी करते हैं कि किस चीज पे क्या चीज अच्छी लगेगी क्या चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी आपकी ब्रेजा कोई भी मॉडल है, ZXi हो ZXi प्लस, उसमें 6 एयरबैग आते हैं, 6 एयरबैग वाला सीट कवर मिलेगा,
बाकी जो एलेक्साई और वीएक्साई मॉडल है उसमें नॉर्मली दो एयरबैग आते हैं, तो उसके लिए तो एयरबैग वाला स्लीप कवर की जरूरत नहीं है, तो वो भी अपने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी जेन्युइन पार्ट ऑल ओवर मिलेंगे। एक छोटी सी भाई ये रिक्वेस्ट है, मैं लास्ट वीडियो में बोला था जिस भाई को एलेक्साई में पीछे हेडरेस्ट लगवाना हो, रिक्वेस्ट है कि कंपनी से सीट कवर मत लगवाना। ठीक है, रीजन क्या, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है फिर कंपनी का सीट कवर हटाना, नई बैग लगाना या उसको फिर वेल्डिंग करके उसमें बॉक्स बनाना, इससे अच्छा आप सीट कवर कंपनी से मत लगाओ, आपको उससे बेस्ट बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे सीट कवर मिलने वाला है कम बजट। ठीक है, तो भैया टोटल कितना आपने पैसा दिया इनको अभी तक, कितने काम हुए? टोटल कितनी बजट आई है? 17,500 आई है। डिस्काउंट मिला आपको सारा? हाँ जी। चलो 17,500 में भैया का सारा काम हुआ है, भैया ने पे किया टोटल 17,500 का टोटल का बिल था। और सारा काम कंप्लीट, सीट कवर, मैट, स्टीयरिंग कवर, रिले जो लगी है, मतलब सारा काम पूरा 17,500 में हुआ है। ठीक है, प्राइसिंग की बात करो तो सेम चीज तो 10,000 में हो जाएगी भाई। सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्वालिटी क्या चाहिए, भैया का जो क्वालिटी था उससे हैवी वाला था, उन्होंने हर चीज का हैवी लगाया। ठीक है, आप क्वालिटी अपना जो मर्जी यूज कर सकते हो, 10,000 में भी सारा काम हो जाएगा। और यही चीज अपनी 17,500 सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, इसके ऊपर कोई भी नहीं आता। चलो भाई, तो जितनी चीजें थी आज ब्रेजा में फाइनली कंप्लीट कर दी गई है, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। भैया फाइनली सेटिस्फाइड हो ना? हाँ जी। ठीक है, चलो भाई, ये अपने आप में काफी अच्छी चीज है। अगर आपको भी अपना काम कराना हो, अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हो या फिर आपके जो भी गाड़ी है, आप इजीली आ सकते हो, ऑटो नहीं अपना सारा काम करा सकते हैं। आज के लिए इतना रहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टर व्लॉग्स, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहते रहिए, और इस टाइप के और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।